एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहाँ किसान दर दर भटके का मजबूर है। पहले किसान कड़ी मेहनत करके अपने खेतन में जो है बीज बोबा थे, फिर फसल काटा थे, फिर उनका बड़े आशा और विश्वास के साथ जो है समर्थन मूल्य में जो खरीदी केंद्र हैं वो मदे थे। सोचत यह हैं कि अब फसल कट गए, उसके बाद शादी अवसर करब या फिर कौनो ऐसा कार्यक्रम है जो उन्हें माँ पैसा की आवश्यकता हुई, तो यह खरीदी केंद्रन के समर्थन मूल्य से जब धान बेचिन तो यह सोचिन कि वो पैसा अब उनके आगे काम आई। लेकिन हालात यह है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा माँ, जहाँ किसान दर दर भटके का मजबूर है। समर्थन मूल्य माँ अपन उपज तो बेच दीन, लेकिन आज दिनांक तक उनका जो है वह राशि हासिल नहीं भय जो सरकार उपजो ले लीस, मतलब उनकर धानो ले लीस, लेकिन आज दिनांक तक उनका अबे तक वह धान के राशि जो है जो उनके रसीद हाथ में ले अपना पचे बागी रहे हैं वह नहीं मिली है। तो विंध्य क्षेत्र गई यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कर इस तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर के। जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि के आधार पर लोगन के जीवन यापन होते हैं, मतलब जे खेती करी सोका बेची सो शादी अवसर करी अन्य उत्सव करते तो वह खेती के आधार पर। लेकिन जब सरकारें अब ऐसा किसानन के भुगतान न करी तो आखिर अब खुद कल्पना करी कि आखिर अपना पचन के कितनी बड़ी विडम्बना है। हालांकि अब आवेदन लेके हमारे हाथ में वो आवेदन है जेका अपना देख सकी थे कि भुगतान से जुड़ा आवेदन है कि भुगतान नहीं हो लागे। अपना बचन के आरोप है कि उक्त खरीदी केंद्र माँ सबके धान तलीन गए, लेकिन अन्य लोगन के भुगतान हो गया, हमा भुगतान कीने नहीं जाल लागे। यह आवेदन हमारे हाथ में है, हम अपने सहयोगी से कहब किया आवेदन देखा मैं जो कहो न कहो अब किसानन माँ आक्रोश पैदा कर रहा है। हमारे साथ अपना के हमारे साथ एक किसान है जय, तीन चार जने उनसे हम बात करब। का शुभ नाम है? रजनीश तिवारी सर। रजनीश जी, कहाँ अपना कितने धान बेचे रहन, कौने खरीदी केंद्र बेचे रहन, अब समस्या का है? सर हमने कनौजा खौर में सोसाइटी में धान तो लाया 105 कुंटल 60 किलो धान, जो उसका पैसा अभी तक आया नहीं। हम परेशान है सर। कितना पैसा बना अपना? 2,15,000। हाँ जी। कब अपना यह तौलो आए रहे? सर हम 28 नवंबर को धान तौल आए थे जी। और अपना के अभी तक पैसा नहीं आया? नहीं आया सर। का बतावत का है? बस यही बताते हैं कि अभी भोपाल CPO नहीं जा रही हो, अभी भोपाल CPO जा रही नहीं हो। 4-5 बार मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन भी दिया, उनका रिसीप्ट हमारे पास है, जन सुनवाई में दिया, बोलते हैं कि अभी UPO जा रही नहीं हो, अभी अगले सोमवार तक इंतजार करो। यही करते करते हमारा 2 महीना हो गया सर। हमारे घर में शादी भी है, परेशान है, किसान आदमी है, खाद बीज की भी ज़रूरत पड़ती है, खेत में डालना पड़ता है। और बैंक का मान लीजिए हम KCC बनवाए, उनका मैं डिफ़ॉल्टर हो रहा हूँ, वहाँ पैसा नहीं जमा कर पा रहा हूँ, इसी खेती कर लगा कर दूसरे में लगाते हैं सर, हम लोग परेशान हैं। चलिए कुल मिला कि यह अपना के रसीद ही जो हमारे हाथ में ही जोने माँ अपना भुगतान देख सकी थे कि साफ साफ जो है 2,15,424 रुपया लिखा लाग है। और अपना के धान तक खरीद लीन गए, लेकिन अभी तक अपना का भुगतान नहीं मिली है। और हालात यह ही कि जो शिवराज सरकार खुलेआम यह कहा थी कि हम किसानन के हितैषी सरकार हैं, और हम तुरंत जो है उनका उनकर भुगतान दे दी थे, लेकिन स्थिति यह है कि भुगतान तुरंत नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान का दर दर भटके का पड़ रहा है। लगभग 3-4 महीना हो गया, अभी तक भुगतान नहीं मिला। नहीं हुआ सर, ऐसा ही है ना जी, जी, जी। दूसर कुछ नहीं, नहीं बस ऐसी है सर। चलिए तो मतलब अपना लगातार यहाँ जन सुनवाई और सब आवेदन कई बेद है चुके हैं? दो बार जब अब की तीसरी बार आए सर, बस डेट लिख देते हैं, बोलते हैं कि अगले सोमवार को आप आ जाइएगा, अगले सोमवार को आ जाइएगा, बस यही चल रहा है यहाँ पे सर। चलिए तो कुल मिला कि यह हाल है। और किसानन से हम बात करते, का शुभ नाम है? छोटे लाल पटेल। कहाँ है, गाँव कहाँ है अपना? ग्राम खजुआ है हमारे जी, कनौजा सोसाइटी में बेचन धान 7,72,000 के जी। तो कहाँ भुगतान कले कब बेचे अपना? ये 5 दिसंबर का। हाँ अब कहाँ कहा थे पैसा के? पैसा की कहा थे कि आज APO मक बाबा, यह हुआ कलेक्टर ही मगाम है। कहाँ से?
ये भोपाल से कहा थे यही तो कब आई, ये हम तब हमका समझ नहीं आवा। आऊ लोगन का भुगतान भा कि नहीं, आऊ लोगन का भुगतान हो गया पाछे बाएं से हमसे पाएं के बहुत भुगतान हो गया। आई हमारा 5 दिसंबर के बेची धान सर, नहीं हमारे लड़का शादी का है, कहाँ से कहा करी बताई साहब। चलिए तो कुल मिला कि यह हाल है, या हमारे हाथ में ये अपना देख सकी थे कि यह अपना के जो खरीदी केंद्र से रसीद मिली है, जो उन्हें मैं साफ तौर पर 7,72,752 रुपया इमें लिखा लाग है, लेकिन अपना के आरोप है कि अन्य लोगन का जेकर धान अपना की बात खरीदी गए उनका तो पेमेंट मिल गया, लेकिन अपना का अभी तक भुगतान नहीं दिन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपना कहते हैं हमारी यहाँ शादी है, लेकिन अब पैसा की आवश्यकता है तो के लगे जाई, कैसे मांगे जाई, कई बे आवेदन दे चुके यहाँ, 4 बे हो गई, बार चौथी बार आए। हाँ जी, कहत कहाँ है, कहत कहाँ हो गई, जैसे कौ कागज लेते हैं, यह दे या रसीद दे, रसीद दिया, 4 बे होगी इस बार, 4 चौथा नंबर आ इस बे। मतलब अभी अपना का कहा लागत है कि अब यह लागत भाई हमारा पैसा, हम लड़के की शादी कहन कहाँ से का करी। हाँ चलते लड़का वाले में तो मिला था ना, कुछ नहीं मिला है। हाँ कहाँ कुछ नहीं मिला था। हाँ देख परत है, देख परत है। हाँ। तब होता काज लड़कन के। हाँ ये समय, हाँ ये समय। चलिए तो कुल मिला के अपना यह कह रहे हैं तो मतलब ठीक है, वह अलग बात यह है कि यह कुछ वो से मुद्दा से हट के मैं नहीं बात करी, मगर वजह यह है कि अपना के भुगतान हो चाहिए। यह एक किसान जो पूरे देश का चलावत है, जो अन्न उगावत है, अन्न का खुद सोची कि यदि एक दिन खाए का ना पाई तो कऊ में हालत हो जाए, तो वह अन्नदाता के हाल का है यह अपना समझ सकी थे। और यह वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि अभी तक अपना पचन के भुगतान नहीं किए गए। अपना शुभ नाम का है? नीलांबुज मिश्रा। कहाँ से है अपना? जोकिया से। हाँ जी, कऊ खरीदी केंद्र से अपना अपन धान वो करे खौर से खरीदा। यह बताइए जो अपना के कितना कब बेचे रहे ना, कितने के धान रही? 2 दिसंबर 2022 के बेचन है 62 कुंटल 1,26,480 रुपये के धान भय। तो समस्या कहाँ वल्ला ही काहे नहीं मिल रहा है पैसा? बस यह बोला थी मैं कि भोपाल से रे पैसा जब आ जाई तब पैसा खाता में आई, अभी तक भोपाल से पैसा आ नहीं रहा है। नहीं तो आओ सब जने के मिल गया? हाँ सब जन के, हमसे पीछे वाले के मिल गया जी। चलिए तो कुल मिला के अपनों के देख ले या रसीद ही, या रसीद खुद अपना देख के समझ सकी थे कि ये माँ अपना के 1,26,480 रुपया के भुगतान है जो अबे तक शेष है। अपना के आरोप है कि हमसे बाद वाले इनका पैसा जो है उनका भुगतान कई दिन का, लेकिन हमार अबे तक भुगतान नहीं किन गया। कई बे आवेदन दे चुके? 2 बे। कहत कहाँ है? बस कहत में कि अब एक हफ्ता में पैसे आ जाई जी, मगर आवा नहीं, नहीं आ रहा पैसा। कब से एक हफ्ता हो रहा है ये? या एक महीना से। हाँ तो वो तो महीना हो गया, हफ्ता कहाँ बा? नहीं एक महीना से, हफ्ता पर हफ्ता, 4 हफ्ता हो गया, मतलब 4 हफ्ता है ना, आवा नहीं, ताके रहन हर हफ्ता जाए, हफ्ता हो जाए जी, तारीख पर तारीख मिल रही चल रही। हाँ चलिए तो ठीक है, अब अपनों से जानकारी ले। का शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सर जगदीश पांडे है, ये हमारे पिताजी के नाम बेचे हैं, 90 साल के हैं पिताजी हमारे, और ये हम 5/11/2022 को बेचा हूँ 66 कुंटल, और इसमें अपनी राशि काट लिया शासन, 12,000 की मैं खा लिया था सोसाइटी से, तो अपनी राशि को प्राप्त कर लिए, हमारी राशि जीरो कर दिए, नहीं डाले अभी तक, 3 महीने हो गया। 1,23,618। हाँ 1,36,000 का हुआ तो 12,600 अपना सोसाइटी ने काट लिया, और हमारा 1,23,000 अभी तक नहीं डाले, अपने लिए काट लिए उसी दिन। चलिए तो यह अपना रसीद देख ले, जो रसीद हमारे हाथ में ही, जो उन्हें मां साफ तौर पर अपना देख सकी थे कि लिखा लाग है अपना भुगतान, लिखा लाग है वो में लिखा है 1,23,618 जो है इतना रुपया अपना के बनल्ला है। मगर एक दिलचस्प बात अपना के रसीद में यह है कि अपना के जो भुगतान बना वो में खादी के पैसा सोसाइटी के द्वारा काट लेंगे, लेकिन अपना के जो मूल है वह पैसा आज तक नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात कह भी आवेदन दे चुके हैं हम तो 5-6 बार दे चुके साहब जी। कहाँ कहाँ थे जी? सयान है तो अमीन आए के दे थे। कहाँ कहाँ है? ट्रैक्टर के किस्त टूट गए। हाँ। तब खैचरी न जाई? तब खैचरी जाई साहब, अब क्या करब है, क्या करब, पैसे नहीं है। हाँ। अब कह यहाँ पैसा दे के कोनो भय नहीं समझ में आ रहा सर, कागज दे दो तो हर संभावना लागत है कि मिली नहीं आऊँ मैं। हाँ। पैसा नहीं, भैंस पानी में, भैंस पानी में साहब, डूबिन गए भैंस। हाँ धान के पैसा ना मिली, मान ले कि पाला मार दी, अब पाला मार ले, चाहे फांसी लगा ली कहाँ जाए के। हाँ
अभी मरीन गई 7-7 लाख रुपया है बताई। ये 7 लाख ऐसा न हो पाए गए हैं, बोए आए हैं खेत आन के और पैदा की ही नहीं, पैसा दे ही नहीं, मार डाली किसान ऐसा ना है यहाँ। चलिए तो कुल मिला कि यह हाल है कि अब वक्त ज़्यादा हो रहा है लेकिन अभी तक किसानन के भुगतान नहीं मिला है। सरकारन का सोचे चाहिए, ध्यान दे चाहिए कि यह अन्नदाता यदि हमें गली गली बागे का परी इतनी मेहनत के बाद हो तो फिर आखिर केकर सुनवाई हुई। हालांकि यहाँ कलेक्टर और सब वरिष्ठ अधिकारी तक जानकारी अपना प्रचंड के द्वारा दीन गए लेकिन अभी मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सबसे बड़ी बात कि जो अन्नदाता अब अगले जो है फसल की तैयारी करे चाहिए तो वह फसल की तैयारी छान के कागज ले गली गली बागी रहा है। हालात यह में यदि रहा तो निश्चित तौर पर किसानन में एक सरकार के प्रति असंतोष और यह व्यवस्था के प्रति असंतोष जरूर देखे का मिली। तो आपन अपने परिवार की रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।